हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीबी रियल्टी की, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस शेयर के अंदर अभी इतना दमखम है कि आने वाले टाइम में भी ये आपको अपना मल्टी वगैरह रिटर्न दिखा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एक साल के अंदर इसने लगभग 350% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और यहाँ पर जिस हिसाब से इस शेयर के अंदर तेज़ी आई थी, और ये शेयर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो के अंदर अभी भी है, और यहाँ इसके अंदर अगर इस तरह की तेज़ी दोबारा आती है तो आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर एक बहुत बड़ा मल्टीवेगर रिटर्न मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। हालांकि इसका जब शेयर प्राइस हुआ करता था लगभग एक साल पहले 17, 18 और 20 रुपये की रेंज में घुमा हुआ है काफ़ी टाइम तक, लेकिन फिर एकदम अचानक से जैसा कि कुछ डील्स हुई और उसके बाद इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई दी, और वहाँ से इस शेयर ने एक बहुत अच्छा खासा उछाल लेते हुए लगभग 127 रुपये का अपना भाव दिखाया। तो यहाँ पर हम अपनी बोनस पिक के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि डीवी रियल्टी के अंदर वो दमखम है कि आपको आने वाले टाइम में रियल्टी सेक्टर के अंदर जो बूम है डीएलएफ का और मैक्रोटेक डेवलपर यानी कि लोढ़ा का, और उसके साथ साथ पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मार्केट इस समय दमदमाता हुआ इंडिया के अंदर चल रहा है, तो उसके अंदर डीवी रियल्टी अपना कितना कंट्रीब्यूशन देता हुआ आपको एक अच्छा खासा मल्टीवेगर रिटर्न दिखाएगा। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो एक बड़ी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम इसके अंदर पैसा डालते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आप राकेश झुंझुनवाला जी को देख सकते हैं कि उन्होंने एक लंबे टाइम से इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को बनाए रखा है, और आज जो 20-30 रुपये का शेयर है वो एकदम से अचानक आपको 127 रुपये का लक्ष्य दिखाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रिटर्न और कितना पेशेंस राकेश झुंझुनवाला जी ने इस शेयर के अंदर दिखाया। इसके साथ साथ अभी भी इस शेयर के अंदर करेक्शन है, लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग को बेचा नहीं है। इसके साथ जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 127 का लो मारने के बाद इसने लगभग 89 रुपीज़ का लो भी बनाया है, और उसके फर्दर धीरे धीरे इसके अंदर करेक्शन का मूड चलता रहा। फर्दर इसमें राकेश झुंझुनवाला जी की जो होल्डिंग है उसके अंदर कोई चेंज, बड़ा चेंज नहीं आया। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पेशेंस आपको एक अच्छा खासा रिटर्न इस शेयर के अंदर दिला सकता है। अब हम एक बार इसके फाइनेंशियल को देखने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से इसके अंदर फाइनेंशियल हैं, और अगर हैं बहुत बढ़िया तो कितना और भागने की इस शेयर के अंदर उम्मीद है। पर क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट आए हैं उसके अंदर अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करते तो इसे सारा का सारा रेड में नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ 25% से ज़्यादा डाउन दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो 134% वो भी डाउन है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी 134% डाउन है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर भी डाउन 146% का आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इस शेयर के अंदर इतनी दमखम कैसे है, और कैसे एक क्वार्टर अगर ख़राब होता है तो अगले क्वार्टर में ये अचीव करता हुआ नज़र आएगा। तो एक बार हम इसके फाइनेंशियली जो रिजल्ट है, जो क्वार्टरली रिजल्ट नज़र आते हुए दिखाई दें, वो एक बार ईयरली वाइज देखने की कोशिश करते हैं कि ईयरली वाइज इसके परफॉर्मेंस में कितना दमखम है, तो आपको ये समझ आएगा और आने वाली जो खबरें हैं वो कैसे इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न दिला सकती हैं। कोशिश करेंगे डीबी रियल्टी किस तरह से काम करता हुआ नज़र आता है। कंपनी 2007 के अंदर कॉर्पोरेट होती हुई नज़र आती है। इंगेज इन द प्राइमरी बिजनेस ऑफ द रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड अदर रिलेटिव एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर बेस्ड इन द अराउंड मुंबई एंड आर। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मुंबई बेस ज़्यादातर इनके प्रोजेक्ट्स हैं, और उनके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि जो मुंबई में रहता है वो डीवी रियल्टी को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता होगा, और यही रीज़न है कि राकेश झुंझुनवाला जी इस शेयर को, इसके प्रोजेक्ट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, और इसीलिए वो काफ़ी टाइम से इस शेयर के अंदर हैं और इसकी इन डेप्थ और डेप्थ नॉलेज उनको काफ़ी अच्छी तरीके से है। अभी भी जो फेस वैल्यू है इस शेयर की वो 10 रुपये की है, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है शेयर के ऊपर। और अगर इसने लो और हाई की बात करें तो 16 रुपये का इसका लो है, 134 रुपये का इसका हाई है, 2441 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, और रिसेंटली जो खबरें आई थी कि रियल्टी के सेक्टर में बहुत अच्छा खासा दमखम है। तो यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ आपको नज़र आती हुई दिखाई दे रही है पॉजिटिव के अंदर, वो यही है कि जो कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे नज़र आते हुए दिखाई दिए, लेकिन बीचते क्वार्टर को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी के रिटर्न उस इतने अच्छे नहीं है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर एक ही चीज़ नज़र आती हुई आपको दिखाई देगी कि ये सबसे नीचे पायदान पर 8वें नंबर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2481 करोड़ की मार्केट कैप के साथ 102 रुपये का आज का इसका प्राइस है।
अब यहाँ पर हम नंबर देखने की कोशिश करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज जो नज़र आते हुए इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो माइनस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो किस हिसाब से ये शेयर एक अच्छे गुड क्वार्टरली रिजल्ट कैसे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, इस दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें तो 352 माइनस से 34 माइनस पर आना, तो डेफिनेटली आप समझ सकते काफ़ी बड़ी ग्रोथ है इस शेयर के अंदर। लेकिन अभी भी ये इसके जो रिजल्ट हैं वो कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे टाइम से माइनस में आपको दिखाई देते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ हम अगर यहाँ देखने की कोशिश करें ईयरली वाइज 2019, 20 और 21 की बात करें तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट्स हैं, रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली आपको माइनस में नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और टिल मंथ की बात करें तो यहाँ पर भी 168% जो 168 करोड़ रुपये का जो इनको लॉस नेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बावजूद इस शेयर के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी है वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई है कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक न्यूज़ आई थी फ़ंड रेजिंग की, तो उसको मैं एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ आए कि इसके अंदर फ़ंड रेजिंग की जो स्कीम चलती हुई नज़र आ रही है, तो शायद हो सकता है कि रियल्टी के सेक्टर के अंदर जो प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनते जाते हैं उसके अंदर फ़ंड की ज़रूरत होती है, और जैसे वो बिकता जाता है तो मे बी कुछ कंक्लूजन निकलता हुआ नज़र आए इस शेयर के अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे डीवी रियल्टी के अंदर फ़ंड रेजिंग की जो स्कीम चली थी वो शेयर उसके बाद से अपर सर्किट पे हिट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये कोई न्यूज़ नई नहीं है, ये न्यूज़ है आपकी 9 फरवरी 2022 की, और पिछले 1.5 महीने के अंदर आप ये जानते हैं कि इस शेयर ने उस दिन से काफ़ी अच्छे रियल्टी के अंदर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। क्यों? क्योंकि इस शेयर ने जो फ़ंड रेजिंग थी, फ़ंड को और कहीं से लेना था, उसके अंदर आप देखेंगे जब फ़ंड रेज होता है तो रियल्टी के सेक्टर के अंदर और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। यही रीज़न था कि उस दिन से इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छे जो अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए और शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आया। तो इस शेयर के अंदर 50 मिलियन वॉरंट कन्वर्टेड इन टू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द डीवी रियल्टी सर्ज टू हिट द अपर सर्किट लेवल ऑफ 5% एट 116 रुपये अ पीस BSE। तो धीरे धीरे इस शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी आ गई कि इस शेयर ने लगभग 136 रुपये का हाई बनाया, और फिर से इस शेयर ने एक 15-20 दिन तक एक लो बनाने के बाद फिर से आज जो इस शेयर के अंदर आप देखते हैं यानी कि शुक्रवार के दिन इस शेयर के अंदर एक 4% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, काफ़ी सारी चीज़ें माइनस में नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी राकेश झुंझुनवाला जी क्योंकि मुंबई बेस्ड हैं, उनको इसके प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा इनसाइट पता है, तो इसीलिए वो काफ़ी टाइम से शेयर के अंदर बने हुए हैं।